कैलिपर का लूज होना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रेक लीवर दबाएं, ब्रेक लीवर दबा कर रखें जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स टाइट होकर सेंटर अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोनों नट्स जो वीडियो में दिखाए गए हैं उनको टाइट करें। ब्रेक डिस्क वॉबलिंग, इस प्रॉब्लम में डिस्क प्लेट लेफ्ट राइट मूव हो रही है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वीडियो में दिखाए गए तीन टूल्स में से किसी भी टूल का इस्तेमाल करके डिस्क प्लेट को सीधा कर सकते हैं। डिस्क प्लेट जहां से भी रब कर रही है, लेफ्ट या राइट, जैसे यहां पे ये राइट साइड रब कर रही है तो हमने इसको लेफ्ट साइड को बेंड कर दिया। जहां जहां भी डिस्क रब हो रही है उस हिस्से को आप बेंड करके सीधा कर लें जब तक पूरी डिस्क की वॉबलिंग बंद नहीं हो जाती। लूज ब्रेक, इस प्रॉब्लम में जब आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तब भी साइकिल रुक नहीं पाती। उसका रीज़न ये है क्योंकि साइकिल की ब्रेक वायर लूज है, तो हम इस वायर को टाइट करेंगे। वायर को टाइट करने के लिए वीडियो में दिखाए गए नट को लूज करें, फिर वायर को खींचो, ब्रेक को इतना सा एडजस्ट करो कि पैड्स डिस्क प्लेट से टच भी ना करें और बहुत ज़्यादा गैप भी ना हो। सही पोजीशन पे एडजस्ट करने के बाद वायर को टाइट रखते हुए नट को टाइट कर दें, इससे साइकिल की ब्रेक सही से काम करने लग जाएगी। डिस्क प्लेट राइट लाइन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में डिस्क ब्रेक राइट लाइन रह के ब्रेक पैड से घिसती है। उसको सॉल्व करने के लिए हम वीडियो में दिखाए नट को एल की से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लूज करेंगे। ऐसा करने से डिस्क ब्रेक राइट लाइन की बजाय सेंटर अलाइन हो जाएगी। जीके के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब हाई क्वालिटी हैं। अगर वह पूरी तरह से सेट हैं तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपनी लाइफ टाइम के हिसाब से काम करेंगे। आपकी यूजेज के हिसाब से ब्रेक पैड्स मेंटेन या चेंज भी करने पड़ सकते हैं किसी और व्हीकल की तरह। कीप योर साइकिल मेंटेन्ड एंड एंजॉय योर राइड।